हेलो स्टूडेंट्स, आई नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द टाइगर वैन ही सो द मैन। टाइगर कहाँ था जब उसने मैन को देखा, तो कहाँ था बताइए, पिंजरे में बंद था ना, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1, व्हेन द टाइगर सो द मैन ही वॉज इन द केज, केज में बंद था, ठीक है, ही वॉज इन द केज। ये हो गया आंसर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट प्रोमिस डिड द टाइगर मेक टू द मैन। क्या प्रोमिस किया था टाइगर ने मैन से, तो उसने कहा था कि वह अगर केज खोल देता है यानी पिंजरा खोल देता है तो वह उसको नहीं खाएगा, है ना, तो हमें यही लिखना है आंसर नंबर 2। द टाइगर प्रॉमिस्ड टू द मैन डैट इफ ही ओपेंड द केज, यदि वह दरवाजा खोलता है, ही वुड नॉट, ही वुड नॉट किल हिम, वह उसको नहीं खाएगा या मारेगा, ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ द केज। जब वो बाहर आया तो उसने क्या किया, तो लिखेंगे हम आंसर में आंसर नंबर 3, एज क्या किया था उसने, वो उस पर मैन की तरफ दौड़ा था उसको खाने के लिए, है ना, तो एज सून एज द टाइगर वॉज आउट ही रस्ड एट द मैन। ओके, ये हो गया आंसर नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई डिड द टाइगर जंप बैक इनटू द केज। तो जो टाइगर था वो दोबारा पिंजरे में क्या करने गया था, क्यों गया था कूद कर अंदर पिंजरे में, तो हम लिखेंगे क्या करने के लिए गया था, वो दिखाने के लिए गया था ना लोमड़ी को कि मैं पहले ऐसे था, कि वो पिंजरे में कैसे था, यही तो दिखाने के लिए गया था, तो यही लिखेंगे हम आंसर नंबर 4 में कि द टाइगर जंप्ड बैक टू द केज टू शो द फॉक्स
टू शो द फॉक्स हाउ वॉज ही टू शो द फॉक्स हाउ वॉज ही इन द केज बिफोर। ठीक है, ये दिखाने के लिए गया था। ओके, ये हो गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द टाइगर फुलिस और क्लेवर? टाइगर फुलिस था, मूर्ख था, या चालाक था टाइगर? आंसर होगा इसमें द टाइगर वॉज फुलिस। वो मूर्ख था ना टाइगर। पहली बात तो उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, है ना। फिर उसने जैसे लोमड़ी ने बोला वैसे ही उसने कर लिया, फिर उसको वो बंद हो गया उसमें केस में। तो वो क्या था? फुलिस था। आंसर नंबर 5 में हम लिखेंगे द टाइगर वॉज फुलिस। द टाइगर वॉज फुलिस। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। वोकेबलरी मैंने आपको बताया था होमवर्क में कि वोकेबलरी करनी है आपको, फ्लफ्स करने हैं और ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।